आज हम लोग करेंगे राबता। अरिजीत सिंह जी का काफी अच्छा गाना है एंड यूकेलेले पे से कोई लेसन्स भी नहीं है इतना यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये गाना सिखा दूं। काफी अच्छा लगेगा आपको बजाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी काफी अच्छा है। काफी इजी गाना है, बस ओपन कॉर्ड्स ही बज रहा है यूकेलेले पे। एंड इसका इंट्रो करेंगे, कॉर्ड्स करेंगे, स्ट्रमिंग करेंगे, कंप्लीट लेसन करेंगे। अगर ये लेसन आपको हेल्प करा जिसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं आपको कितना हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं। काफी इजी है, मैं स्लोली प्ले करके दिखाऊंगा एंड टैब्स दे दूंगा आपको, आप आराम से समझ जाओगे। इसका स्टार्ट होगा लाइक दिस, यहाँ से अभी बार कर लीजिए 7th फ्रेट पे, 3rd स्ट्रिंग एंड 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। आप एक काम कीजिए 7th फ्रेट पे 1st 2nd 3rd तीनों को बार कर लीजिए, आपके लिए इजी होगा इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। एंड अभी प्ले कीजिए, टैब्स देख सकते हो आप, मेरा फिंगर्स भी देख सकते हो। बस इसको 3 बार बजाना है, ये हो गया 3 बार। नेक्स्ट बार आएंगे आप, काफी इजी है इसको। क्या के हम लोग फर्स्ट स्ट्रिंग आ गए 7, सेकंड स्ट्रिंग 10, 8, 7, ठीक है, लाइक दिस, वापस 8, ठीक है ना। तो ये पार्ट स्टार्टिंग से लेके यहां तक ऐसा सुनाई देगा, 3 बार इसको, देन गाने में एक्चुअली 2 बार बजता है, पर मैंने अभी इसको 1 बार बजाया। आप चाहो तो इसको 2 बार रिपीट कर सकते हो सेम चीज। सेकंड टाइम क्या हो, थोड़ा सा चेंज होगा आपका, स्टार्ट होगा यहां से, आपका 3rd स्ट्रिंग 9th फ्रेट से स्टार्ट हो रहा है। सेम इसको 2 बार बजाए, देन बजाएंगे, टैब्स आप फॉलो कर सकते हो। फिर से देखते हैं सेकंड पार्ट का स्टार्टिंग, इजी, कुछ ज्यादा जरूरत नहीं इसको दिखाने के लिए। फिर मैं हल्का सा दिखा रहा हूँ फिर से इसको 2 बार। इसका जो मेन इसका रन रन टाइप का होता है जो आपका नोट्स पे, लाइक दिस, हो गया ये पार्ट। अब इसके बाद आएगा, इसको 4 बार बजाना, ये काफी इजी है। 4 बार करने के बाद नेक्स्ट आएगा आपका सेम जो सेकंड पार्ट में जो स्टार्टिंग में कर रहे थे, हो गया। तो इसको एंड करेंगे भी लाइक दिस, तो एंड में क्या हो रहा है यहां पे, और सी के बाद वो एक्स्ट्रा उसका बी नोट नहीं आ पा रहा है, यूकेलेले पे नोट्स नहीं है, तो इसलिए हम बी नोट की जगह बस यहाँ पे जी में जस्ट स्ट्रम कर लेंगे, ठीक है। तो काफी अच्छा लगा। तो लास्ट पार्ट पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं एक बार, सॉरी यहाँ ये वाला, ठीक है। फिर से आपका गाना स्टार्ट होता है, चलिए गाने के कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग देख लेते हैं। तो चलिए भी गाने के कॉर्ड्स देख लेते हैं, काफी बेसिक कॉर्ड्स है और जो अभी भी नया सीख रहा है यूकेलेले उनके लिए काफी इजी रहेगा ये गाना प्ले करना। तो जो कॉर्ड्स लगेंगे वो रहेगा आपका सी मेजर, जो गाना का गाने का की है वो सी मेजर। नेक्स्ट आएगा ए माइनर, पूरे इजी कॉर्ड्स है। एफ मेजर एंड जी मेजर, अंतरा में हल्का सा एक टाइम डी माइनर भी आता है। तो यही 4-5 कॉर्ड्स यूज़र है, बस बेसिक कॉर्ड से आप प्रैक्टिस करो, इससे आपको कॉर्ड्स का भी आइडिया हो जाएगा, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है यूकेलेले के कॉर्ड्स का, ठीक है। इसका तो स्ट्रमिंग रखेंगे, पूरा बेसिक स्ट्रमिंग रखेंगे, लाइक डाउन डाउन डाउन, ठीक है, डाउन डाउन चाहो तो कोरस पार्ट में चेकिंग कर सकते हो लाइक दिस, डाउन अप चेक अप चेक अप डाउन, कुछ तो है तुझसे रब्ता, कुछ तो है तुझसे रब्ता, कैसे हम जाने हमें क्या। तो ये पार्ट में आप चेकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यही दो स्ट्रमिंग से आपको जो सा भी कंफर्टेबल लग रहा है आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए अभी गाने का प्रोग्रेशन देख लेते हैं, मैं हल्का सा हमिंग करके आपको बस बता दूंगा, कंप्लीट गाना अभी
मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे गाना आना नहीं आता। मैं पार्ट वाइज इसको हमिंग करके आपको कहाँ पे कौन सा कॉर्ड्स लग रहा है आपको आराम से बता दूंगा। तो चलिए अब गाने का प्रोग्रेशन देख लेते हैं। तो इंट्रो बजाने के बाद गाना आपका स्टार्ट होगा सी मेजर से एंड ए माइनर पे चेंज होगा। लाइक आउट ऑफ ब्रेथ वाला सॉन्ग है, थोड़ा आपको सांस लेना पड़ता है टाइमिंग में। तो आई होप आपको समझ में आ गया पहला कैसे चेंजेस हो रहा है सी से ए माइनर सभी के लिए। रिपीट करना वापस एफ बैक टू जी। सेकंड लाइन में आप इसको रिपीट कर सकते हो, वरना इसका कोरस अब देख लेते हैं क्या करना है। कोरस में आपको अब चेकिंग वाला कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। आगे आपका समझ में आ गया इसका कोरस में क्या क्या कॉर्ड्स लग रहे हैं। मैं सिंगिंग माइंड मत करूं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका नेक्स्ट जो म्यूजिक बजता है, जो हमिंग बजता है, उसमें कौन से कॉर्ड्स लगते हैं। तो इसके बाद जो इसका म्यूजिक पार्ट आता है उसमें ऐसा प्रोग्रेशन जाएगा। मुझे ठीक से उसका गाने का ट्यून याद नहीं म्यूजिक का, मैं फिर भी हल्का सा आपको हमिंग करके बता रहा हूँ, ठीक है। आपका स्टार्ट होगा सी से वापस इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया अंतरा में कौन से कॉर्ड्स जा रहे हैं। मैंने शायद थोड़ा इसका ट्यूनिंग, जो गाने का ट्यून है, थोड़ा सा गलत कर दिया है। फिर आप देख लेना ओरिजिनल जो उसका यही प्रोग्रेशन जाता है, यही सेम कॉर्ड्स ही जाएंगे। तो आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा कॉपी पेस्ट करना है आपको ओरिजिनल गाना। आप थोड़ा अपना ट्यून चेंज कर सकते हो, थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया म्यूजिक में कौन से कॉर्ड्स जा रहे हैं, अंतरा में कौन से कॉर्ड्स जा रहे हैं। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, वरना इंस्टाग्राम में, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यही था इसका लेसन, आई होप ये आपको समझ में आ गया। काफ़ी ईजी गाना, आप ट्राई करो इसको जैसे भी हो, ठीक है। अगर आप नया यूकुलेले लेके आए हो, बॉलीवुड गाना बजाना चाहते हो, क्योंकि बॉलीवुड के लेसन है नहीं, इसलिए मैं आपको ट्राई करूँ हेल्प करने का। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, जरूर मैं चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।